नमस्कार दोस्तों, तेज स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय इतिहास में चल रही मुगल साम्राज्य की पार्ट थर्ड आज पढ़ेंगे, तो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये लाहौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम अभी सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था, नूरजहां। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर महान ने करवाया था। रणथंभौर क्या है? एक राजपूत दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था? तो ये बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किनकी सेवा में थे? तो ये राजा रामचंद्र के सेवा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन एवं बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो यह अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में गायक थे? ये अकबर के दरबार में गायक थे तानसेन, जो कि एक नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर काल में। अगला क्वेश्चन, अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? मोती मस्जिद का। अकबर द्वारा हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल ये निर्माण करवाया गया था, और मोती मस्जिद नहीं निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही निम्न में से किसका नाम था? तो यह एक धर्म था जो अकबर द्वारा शुरू किया गया था हिंदू मुस्लिमों की एकता के लिए। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो यह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो यह पंजाब से होकर प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? ये पानीपत द्वितीय की लड़ाई जो थी वो मुगल शासक के लिए काफ़ी लाभदायक हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? यह शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, रुपए का सिक्का सबसे भारत में किसके शासनकाल में ढाला गया? तो यह शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने टाका अथवा रुपये से अभिचिन्हित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? अकबर ने। अगला क्वेश्चन, निम्न भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? नगीना मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। इबादत खाना बंदगी का खंड है जो अकबर द्वारा कहाँ बनवाया गया था? तो यह फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग था? तो यह पर्सिया, जिसे फारस कहते हैं, के वैज्ञानिकों का सहयोग था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर दिल्ली मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन अति मुख्य है? तो वो कौन सा है, उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की थी। अकबर ने हिंदू मुस्लिम में भेद ना करके या जाति पात में भेद ना करके उसने सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी, यही इसके महान कहलाने का कारण भी बना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
अमीर खुसरो जहांगीर, ये जोड़ा गलत है। सही जोड़े हैं बैरम खां अकबर का दरबारी था, जसवंत सिंह औरंगजेब का, अंबर मलिक हुमायूं का, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? तो सूरत को काबुल के मक्के के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में दी गई घटनाओं का सूची सेकंड में दिए गए संबंधित व्यक्तियों से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें। तो अगला पॉइंट है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये सभी को पता है, बाबर ने की थी। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। दीन इलाही प्रारंभ किया अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो वल्लभाचार्य गुजरात, ये मिलान गलत है। अगला, नामदेव महाराष्ट्र से हैं, चैतन्य बंगाल से हैं, नरसिंह मेहता गुजरात से हैं। तो आज यहीं तक दोस्तों, अगला वीडियो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी यूरोपियों का आगमन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।